नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नरोत्तम दीवान। अपने यूट्यूब के सारे जो मेरे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखी है उनको मेरा नमस्कार। और आज हम मौसम बहुत अच्छा है बरसात से, और हम यहां पे जीनिया के पौधों को लगा रहे हैं। अभी ये गमले हैं, इनकी पुरानी मिट्टी निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि इनके बीच में एडिक्वेट ड्रेनेज है। इसमें एडिक्वेट ड्रेनेज नहीं है, इसमें मोरियां करनी पड़ेंगी। अगर इसमें पौधे लगा देंगे तो जड़ें गल जाएंगी। इसमें है, ये मोरियां हैं, तो इसमें हम लगाएंगे। उसमें पहले ड्रिल से मोरियां करेंगे। तो ये मिट्टी है, मिट्टी से पहले इसमें हम थोड़ा सा ये घास फूस या पत्थर डाल सकते हैं जिससे ये मोरियाँ बंद ना हो। तो ये मैंने एक घास फूस डाल दिया, थोड़ा बहुत डाल देता हूँ, इससे मोरियाँ बंद होने के चांसेस कम हो जाए। ये नीचे ये घास फूस हो गई, ऊपर से मिट्टी। अब ये मिट्टी जो है ना, ये मेरे को याद करवाती है मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, वो सारे लोगों की जो जब वो उन पर खाक हुए, उनकी परमिशन दी गई, उनको दिया गया और वो राख में बदल गए और पांच तत्वों विलीन हो गए। तो उसके कारण ये मिट्टी मेरे को उनकी याद दिलवाती है, उनकी यादें हमारी मिट्टी में हैं। और ये देखिए चीनियाँ, कितना सुंदर इसका फूल है, पिंक कलर। अब ये जो है कोरोना वायरस के डर के, ये फ्लावर वैली नर्सरी है मेरी, और यहाँ से वो जो मादी थे वो सारे बिहार भाग गए। परंतु ये पौधे जो हैं, ये मैंने बीज से पाले थे प्रो ट्रे में, उसमें वर्मी कोलाइट, कोकोपीट, वर्मी कॉम्पोस्ट, ट्रू लाइट वगैरह डाल के। तो अब इनकी जिम्मेवारी मेरे पे आ गई है कि मैं इनको एक नई ज़िंदगी दूं, क्योंकि अब इनकी प्लांटेशन ज़रूरी हो गई है। ये जो पौधे थे जिसमें, ये देखिए कितना सुंदर फूल केसरी रंग का, इनको ज़्यादा जगह चाहिए ताकि इनकी साइड से कोंपने फूटें और ये बड़े बड़े फूल रहें। ये देखिए इनमें जड़ है, पर अब जड़ फैलने की जगह कम हो गई है। तो इनको मैं यहाँ पे लगाऊंगा और एक और पौधा लगाऊंगा। कितना सुंदर फूल है, इतना सुंदर रंग यहाँ पे, मेरे को मैं पता नहीं अंग्रेजी में इस रंग को क्या कहते हैं, पर ये मैरून कलर का बहुत ही ब्राइट। मैंने जीनिया इतना अच्छा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये मैंने बीज मंगवाए स्पेशल ब्रॉड से और यहाँ से बेंगलोर से, और बहुत अच्छा जीनिया निकला। आज हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं, मेरे साथ मेरा स्टाफ है जो कि एज ए हॉबी काम कर रहा है, दीवान हॉस्पिटल का स्टाफ है जो कि मेरे साथ एज ए हॉबी कर रहा है। अब ये इनको पौधों को तीन को मैंने एक बड़े गमले में लगाया। अब ये पौधे देखिए, इनके फूल जो हैं साइड से इनके और फूल आए। इसमें मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, इससे इनको बाद में हम कुछ मैन्योर भी देंगे। जब ये जड़ फैल जाएगी तो हम इनको थोड़ी सी DAP, पोटाश दे सकते हैं। हालांकि ये बड़ी अच्छी मैन्योर सॉइल है और ये ड्रेनेज के लिए भी अच्छी, क्योंकि ये सैंडिश है। तो इसमें ये तीन पौधे आ गए हैं जिनको जगह ज़्यादा मिलेगी, दे विल हैव देयर स्पेस टू ग्रो। और इनको हम डंडी लगा देते हैं जिनसे इनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह ये इनको बांध देंगे तो इनको ये गिरेंगे नहीं, गिरेंगे। लंबी डंडी भी लगा सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह देखिए जो है, अब इनको हम बांधेंगे। ये अभी सारे ये पौधे हमने लगाने हैं। ये देखिए कितना सुंदर फूल है, और ये सुंदर सुंदर फूल हैं, और ये हमने जो लगाए हैं देखिए ये कितना अच्छा कलर है, पिंक कलर, केसरी कलर, और ये देखिए येलो, पीला, कितने सुंदर हैं। ये टूट गया है पर और आएंगे, यहाँ से ये लगाने के उठाने के चक्कर में थोड़ा टूट गया, पर ये पीला रंग कितना अच्छा है।
तो इस तरह आज ये सुनहरे मौसम में हम ये बागवानी कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे आप भी इसको फूलों को उगाइए अपने घर में, अपनी छत पे, अपने बरांडे में, और वहाँ से आपको ये खुशियाँ देंगे, आपको ये टेंशन से रहित करेंगे। कोई आपको मन में दबाव होगा, उलझन होगी, वो साफ़ हो जाएगी। इनके पास आपके आपको बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी और आपको बहुत मानसिक और शारीरिक लाभ होगा। आप ज़रूर पौधे अपने घर में उगाइए, और इवन आप सब्जियां उगा सकते हैं, छोटे छोटे फलों के बूटे, नींबू का बूटा लगा सकते हैं, जिससे आपको घर में विषैली पॉइजनस दवाइयों से बिना सब्जियां मिलेंगी, फल भी मिल सकते हैं। अपने घर का एक एक इंच प्रयोग में लाइए। धन्यवाद, नमस्कार।